तो ये रोड गया है ऊपर रिकांगपियो कल्पा के लिए, लेकिन आज हम वहाँ नहीं जा रहे, हम सीधा जाएंगे पू के लिए। और यहाँ पे आर्मी का कैंप है, इसके लिए कैमरा बंद करके रखना पड़ता है, तो कैमरा बंद था, वापस बंद करूँगा मैं। बीआरओ ऊपर से पत्थर गिरते हैं, सावधान रहे, पत्थर अगर सर पे ही गिर जाए तो क्या सावधानी। दोस्तों अभी पू पहुँचने के लिए हमें 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहे हैं, और ये है शिपकिला 102 बताया यहाँ पे, लेकिन शिपकिला जाने के लिए नॉर्मल सिटीज़न को परमिशन नहीं है। वहाँ पे एक गांव है, उस गांव तक के जा सकते हो, भी उस गांव के लोग जो वहाँ के सिटीज़न है वो जा सकते हैं। ये शिपकिला के लिए जो रोड जाता है वो जाता है खाप से, खाप से हम लोग जब लेफ्ट टर्न लेंगे और स्पीति के लिए जाएंगे तो ये वो रोड सीधा जाता है सतलज के बाजू से ऊपर, वो शिपकिला तक जाता है। क्या रोड बनाया है, ये रोड पहले बहुत ख़राब होता था दोस्तों, बहुत मतलब बहुत ख़राब होता था ये रोड। इसी रोड को पहले मोस्ट नहीं क्या विश्व का सबसे दुर्गम मार्ग, अभी वो बोर्ड है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता है दुर्गम रह गया होगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, तो एक बोर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व का सबसे दुर्गम मार्ग। तो जो हम लोग जब 2015 में यहाँ पे आए थे साइकिलिंग के लिए, तो ये रोड मतलब टारमैक रोड तो था ही नहीं, उसके साथ ये रोड सिंगल रोड था। अभी क्या रोड बन गया, मतलब मज़े इस रोड पे गाड़ी चलाने के दोस्तों। ये रोड ऐसे करके वैसे जा रहा है, और ये पहाड़ की साइज देखिए। इस एरिया का जब सर्वे करते होंगे कि कहाँ पे क्या बनाना है कहाँ पे, तो कितना मुश्किल काम है, और कितना दिमाग लगाते होंगे कि हाँ ये एरिया में लैंडस्लाइड कम होंगी तो यहाँ पे ये बनाओ, यहाँ से रोड ले चलो, फिर लैंडस्लाइड ना हो इसके लिए कैसे कटिंग करनी है उसकी। और देखो सामने वाले पहाड़ पे आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, वो लैंडस्लाइड हुई है कभी ना कभी, तो कितना बड़ा कितनी बड़ी लैंडस्लाइड है वो। वाह कितने ज़ोर से बह रही है, बाप रे बाप, इतने ऊपर से भी इसका बहाव इतना तेज़ लग रहा है, अगर नज़दीक गए तो क्या हालत होगी। अरे जो लाइन्स दिख रही है ना दोस्तों, ये कभी कभी इसका पानी इतने ऊपर तक भी आता होगा। तो आगे बड़ी सी लैंडस्लाइड हुई पड़ी है, शायद वो पत्थर पूरा गिर के नीचे गिर गया, टूट के उसने पानी का बहाव रोक दिया। लेकिन अगर आप कुछ सालों बाद आओगे ना तो पत्थर को काट दिया होगा सतलज ने। चलो अभी पू 1 घंटा बता रहे हैं, उससे पहले स्पिलो आएगा तो स्पिलो में खा लेते हैं, फिर पू चलते हैं। ब्रिज क्रॉस करने के बाद आते हैं अकपा चेक पोस्ट, जहाँ पे वापस एंट्री करनी पड़ती है हमारी। ये एंट्री इसके लिए होती है ताकि अगर बीच में हम कहीं गायब हो जाए तो एग्जैक्ट कौन से पोस्ट से पास हुए थे
उसके लिए एक्चुअली अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले इसकी ज़रूरत इसलिए होती थी क्योंकि पहले मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी इस एरिया में बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो उस समय क्या होता था कि पता नहीं चलता था कि एग्जैक्ट कौन से जगह पे कोई अगर क्रॉस हुआ है और कोई मिला नहीं है तो कौन से जगह पे कौन सी चेक पोस्ट ने क्रॉस की थी, तो फिर उसको ढूंढने के लिए आसानी होती थी। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई है, लेकिन अभी तो अभी ये सिक्योरिटी की वजह से होता होगा। ये रोड इतना ख़राब था तब मैंने यहाँ पे साइकिल चलाई थी, तो अब इतना मज़ा आ रहा है इस रोड पे गाड़ी भगाने में, क्योंकि सिंगल लेन थी, रोड भी ख़राब था, वैसे हम लोग गाड़ी साइकिल चला रहे थे और ऊपर से आर्मी की गाड़ी या पुलिस की गाड़ियाँ पास होती थी, बोलती थी जल्दी जाओ जल्दी जाओ, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। अरे जल्दी जाओ कैसे जाओ, साइकिल का तो एक स्पीड ही रहेगा ना। अभी मज़ा आएगा दोस्तों इस यहाँ पे साइकिल चलाने में, बहुत मज़ा आएगा। विस पिलो 13 है, अगर करीब करीब 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ देखते हैं खाने के लिए। पिलो में भी रहने के ऑप्शन है एक दो, लेकिन वो एकदम रोड टच है तो इतने अच्छे तो नहीं होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन अभी स्पीलो रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या ब्रिज बनाया दोस्तों, वाह। और वो है पुराना ब्रिज और ये है नया ब्रिज। और अभी वो पत्थर आया नीचे ऊपर से, अभी ये रोड देखिए दोस्तों, रवि सामने देखेगा स्पिलो, वो जो दिख रहा है वो है स्पिलो गांव, स्पिलो विलेज। अभी यहाँ पे भी स्टे के ऑप्शन हो गए और काफ़ी कुछ खाने के लिए भी अवेलेबल है, पहले नहीं था, पहले यहाँ पे स्टे के ऑप्शन नहीं थे, खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता था लेकिन स्टे का ऑप्शन नहीं थे। अभी यहाँ पे स्टे के ऑप्शन भी है, यहाँ से रोड रोपे वैली के लिए जाएगा, वहाँ पे भी कभी ना कभी एक्सप्लोर कर ही लेंगे दोस्तों, अभी तो हमें जाना है नाको तक। हाँ प्लान बनाया था पू का, लेकिन नाको का ही प्लान बना लिया कि नाको अभी भी तो आपके कितने हुआ है, वो एक घंटा दिखा रहा है और अभी 3:35 हो रहे हैं, मतलब 4:30-5 बजे का अराइवल हो जाएगा। हम थोड़ा वीडियो के लिए वगैरह रुकेंगे, उसके बाद भी अगर पहुँचा जाए तो 6 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों इतनी तेज़ हवा है यहाँ पे, इतनी तेज़ हवा है कि गाड़ी भी बैलेंस नहीं हो पा रही है, वो भी इतनी हेवी व्हीकल, हम डबल सीट है, सामान रखा हुआ है, बुलेट है, वो भी बैलेंस नहीं हो पा रही है। हम वहाँ से आए यहाँ, उसके लिए हमें 2 किलोमीटर का एक डाइवर्शन लेना पड़ा, टर्न लेना पड़ा, क्योंकि इतना डिस्टेंस में ब्रिज बनाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों अभी इसमें, इस कंडीशन में इतनी तेज़ हवाएं चल रही है, बाप रे बाप। तो अभी गाड़ी खींच रहे हैं, भगाते हैं, सीधा रुकते हैं खाप पे, खाप पे थोड़ा फोटो शोटो हो जाएगा और फिर आगे निकल जाएंगे। दोस्तों सलाम, मैं बिहार हो गो, रोड तो बनाया ही है लेकिन आपने पीछे देखे होंगे कि दो औरतें रोड को क्लीन कर रख रही थी, मतलब साफ़ कर रही थी, और यही नहीं
पीछे और भी 10-12 जगह पे ऐसे ही चल रहा था। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं खाप संगम पे, जहाँ पे चाइना से आने वाली सतलज और स्पीति से आने वाली स्पीति दोनों का संगम होता है। और आगे सतलज के नाम से ही जाती है। दोनों के कलर में भी काफ़ी डिफरेंट है। स्पीति का कलर थोड़ा सा ब्लैकिश है, जबकि सतलज का कलर थोड़ा ब्राउनिश है। और ये आ गया खाप संगम। यहाँ से सीधा जाएंगे तो शिपकिला आ जाएगा। तो यहाँ से नीचे भी उतरते हैं, लेकिन हमें नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना है। इनको नाको हेयर पिन बेंड्स भी बोला जाता है, या का हेयर पिन बेंड्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से सबसे नज़दीक विलेज तो का है, लेकिन वो छोटा है, नाको बड़ा है, इसके लिए उसे नाको के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों अभी आपको जो सामने विलेज दिखाई देगा वो है का विलेज। काफ़ी छोटा सा विलेज है वो जो दिखाई दे रहा है सामने। और फिर उसके आपको लेफ्ट साइड में जो पहाड़ दिख रहा है, वहाँ से एक छोटा सा रोड दिख रहा होगा, वो जाता है आगे स्पीति नाको काजा के लिए। पहाड़ की साइज़ देखिए दोस्तों, और उस पर एक एक ग्रीन कुछ भी नहीं है। पूरा जितना कहाँ भी लीजिए उतना ही वहीं तक आपको पेड़ दिखेंगे, बाकी और कहीं पे भी पेड़ नहीं दिखेंगे। अभी हमारे होटल पे पहुंचने का टाइम बता रहा है 5:20। बीच में एक दो जगह रुकेंगे फ़ोटोग्राफी के लिए, जहाँ से हैंगो विलेज दिखेगा वहाँ पे, वो अच्छा स्पॉट है। और बाकी तो देखेंगे फिर और कहाँ कहाँ पे रुक सकते हैं, उतना रुकेंगे फ़ोटोग्राफी करेंगे और जाएंगे। 5:20 का ज़्यादा से ज़्यादा लेट से लेट 6 बज जाएंगे, 6 बजे तक तो पहुँच जाना है कैसे भी करके। हमने यहीं पे कहीं पे नाश्ता किया था उस दिन। वाव, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया अभी, जोमसा कैफे बिगर नाउ। तो ये जो बाइकर है ये तो शायद आज सीधा ताबो के लिए निकलेंगे, हमें तो नाको रुकना है। जब 2017 में हम लोग आए थे तो ये रोड का काम चल रहा था, पूरा रोड मतलब रोड ही नहीं था, पूरा काम चल रहा था रोड का, डबल लेन करने के लिए पूरा
तोड़फोड़ चालू थी, तो यहाँ से हमें नाको पहुँचने के लिए कम से कम 3 घंटे लगे थे। और उस वक्त ये दिक्कत हो गई थी कि हमारे सामने दिख रहा था कि एक बड़ा सा थंडरस्टॉर्म आ रहा था, एक बड़ा मतलब ऐसा काला काला बादल, उसमें से बिजलियाँ चमक रही है और वो नाको की तरफ आ रहा था, और हमें उसके पहले नाको पहुँचना था क्योंकि वो हमसे पहले पहुँच जाता तो नाको में पहुँचने के लिए हमको काफ़ी दिक्कत होती। तो हमने जोर लगा के साइकिलिंग की और कैसे भी करके उसके साथ ही नाको पहुँच गए। जैसे हम पहुँचे थंडरस्टॉर्म भी आ गया, लेकिन हम लोग तब तक रूम में जा चुके थे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अभी तो रोड मस्त बन गया, तो चलिए अभी आगे नाको के लिए बैटरी बचा के रखते हैं, क्योंकि आज बैटरी तो चार्ज की नहीं, एक ही बैटरी चार्ज की है, क्योंकि हमें रुकना था पूह में लेकिन प्लान नाको का बना दिया। तो चलो अभी बैटरी सेव कर लेते हैं। वो सूरज सीधा आँख में जा रहा है। तो दोस्तों अभी आज पहुंच गए नाको, पूह का प्लान था लेकिन नाको में आ गए, क्योंकि ऐसा था कि पूह में हम लोग 3:30-4 बजे पहुंचने वाले थे, तो उसके बाद पूह में तो वैसे घूमने के लिए कुछ था नहीं, तो सोचा कि आगे चलते नाको तो पहुंच जाते। तो अभी 5:30 बजे नाको पहुंच गए और यहाँ पे होटल है, होटल लेक व्यू करके, तो इसमें रूम लिया है। यहाँ से ये नाको लेक का व्यू है, ये नाको लेक है, बस इतनी सी है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और यहाँ से ऊपर का ये व्यू है। तो एक्चुअली क्लाउड्स नहीं है तो आज टाइम लैप्स तो नहीं लगाया, और लेट हो गया, और ठंड काफ़ी लग रही है, यहाँ पे हवाएं चल रही है, आप देख रहे होंगे हवाएं चल रही है ज़ोर ज़ोर से, काफ़ी ज़ोर से हवा चल रही है। तो अभी कुछ नहीं, अभी बस लाइट नहीं थी, अभी लाइट आई है, तो गीज़र से पानी गर्म कर रहे हैं और नहाएंगे और मस्त आराम करेंगे आज, क्योंकि कल शायद ग्यू मोनेस्ट्री के नाको ताबो तक जाने का प्लान है। अभी उसके आगे का अभी सोचा नहीं है कुछ, प्लान करते हैं, अभी डेटा वगैरह सब कलेक्ट करते हैं। आज दिन के उजाले में अभी आज एंड ऑफ डे कर रहा हूँ। आज का रोड काफ़ी सीनिक था, और कसम से मतलब करचम डैम से ये नाको तक कहीं पे भी रोड ख़राब नहीं है, कहीं पे भी रोड ख़राब नहीं है, थोड़ा सा भी रोड ख़राब नहीं है। कई जगह पे थोड़ा सा सिंगल या डबल हो गया है जहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन वो भी रोड एकदम मस्त है। 70-80 के स्पीड से मैंने गाड़ी चलाई है इन रोड पे, जहाँ पे साइकिल लेके हम लोग चला नहीं पाते थे, गाड़ी की तो बात अलग है, नो रोड्स थे वहाँ पे, अभी डबल लेन का रोड बन गया है, काफ़ी बढ़िया रोड है, एकदम बेस्ट रोड है। ख़राब तो होगा नहीं क्योंकि बिहार उसको मेंटेन कर रही है, कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो है नहीं है, तो ख़राब तो होगा नहीं। तो ठीक है, चलो अभी आज का दिन एंड करते हैं, कल सुबह मिलते हैं।